अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी। वेलकम इनटू द वीओ कॉन्सेप्ट्स। और आज हम एमटीएच 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। फंक्शंस की टाइप्स को हम डिटेल से देख आए हैं। अब आगे हम जो है ना फंक्शंस के बारे में आगे मजीद पढ़ेंगे, इनवर्स फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे आने वाले भी चैप्टर में। तो लेक्चर नंबर 18 तक हमारा फंक्शंस का जो मेन टॉपिक है वो क्लोज हो जाएगा जी। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज का है वो है जी इक्वालिटी ऑफ फंक्शन क्या होती है, यानी दो फंक्शन कब बराबर होते हैं। अगर दो फंक्शन हैं एफ़ और जी और वो एक्स टू वाई पे हैं तो तब जो है एफ़ और जी फंक्शन जो हैं वो इक्वल तब होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ जब एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होगा जी ऑफ एक्स के। ये देखें जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा जी ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट एक्स, यानी ये डोमेन वाला सेट है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं जी इसकी। एग्जांपल में यहाँ पे जो है ना इसने दो फंक्शन दिए हैं जो आर टू आर हैं, यानी रियल सेट इनकी डोमेन है और इनकी को डोमेन भी रियल सेट की है, ठीक है जी। एक f है और एक g है। अच्छा, f ऑफ x से इक्वल आ रहे मॉड x के। मॉड x को जब हम सॉल्व करते हैं ना, आपको पता होना चाहिए, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो x की प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ के लिए आता है, ठीक है जी। इसी तरह जो g ऑफ x है ये इक्वल है अंडर रूट x स्क्वायर के, ठीक है। तो जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आपस में कट जाएंगे और जो आंसर आएगा ना x हमारे पास वो भी x की प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ के लिए आएगा। तो चूंकि इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है f ऑफ x और g ऑफ x का, तो इसीलिए ये इक्वल होंगे, ठीक है, एक दूसरे के। इसने आपको नीचे यहाँ कर दिया, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको इसने दो फंक्शन दिए, f ऑफ x इक्वल दिए 2x के और g ऑफ x जो है वो इक्वल है 2x3 प्लस 2x बाय x स्क्वायर प्लस 1 के। अब इसमें इसको अगर हम सॉल्व करें g ऑफ x को, तो हमारे पास आंसर f ऑफ x यानी 2x आना चाहिए थे, तब ये उस सूरत में ये दोनों जो हैं इक्वल फंक्शन होंगे। इसको नीचे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, इसमें जो ये पहला पार्ट है ये वाला 2x क्यूब प्लस 2x, इसमें जो है हम कॉमन ले लेंगे 2x को, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये दोनों सेम हो गए, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, तो हमारे पास दोबारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2x। तो 2x चूँकि हमारे पास यहाँ पे इक्वल था एफ ऑफ एक्स के, तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज़ नाउ इक्वल टू g ऑफ x। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल फंक्शन है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन, जैसे कि आपको पता है कि इनवर्स का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, यानी अगर मैं लिखता हूँ g, ठीक है, तो उसका इनवर्स क्या होगा, 1 बाय g। तो 1 बाय g को हम मैथमेटिकली यूँ भी लिख सकते हैं g पावर माइनस 1, लिख सकते हैं ना। तो सेम चीज़ यहीं पे है, यहाँ पे आप देखें ये एक फंक्शन है, ये वाला g फंक्शन जो है ये x से x टू y जो है ना मैप हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हम इनवर्स लेते हैं ना, ठीक है, तो उसमें ये है कि जस्ट जो मैपिंग है वो तो x टू y होगी, लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि जो डोमेन है ना वो बन जाएगी कोडोमेन और जो कोडोमेन है वो बन जाएगी डोमेन। ये आपने मेन जो डिफरेंस है वो यहाँ पे याद रखना है इनवर्स ऑफ फंक्शन का, कि डोमेन जो है वो कोडोमेन बन जाती है और कोडोमेन डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे फंक्शन की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि फंक्शन का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि डोमेन से डोमेन के हर एलिमेंट से कम एक जो एरो है ना वो मैप होना चाहिए कोडोमेन के किसी एलिमेंट पे। देखें यहाँ पे आप गौर से, ये मैप हो रहा है ए पे, टू मैप हो रहा है ए पे और थ्री मैप हो रहा है सी पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे इनवर्स जब हम इसका लेंगे, यहाँ पे जो हमने ये इनवर्स ले लिया, अब यहाँ देखें आप ए मैप हो रहा है 1 पे, ठीक है, ए मैप हो रहा है 2 पे, ये देखें ए मैप हो रहा है 1 पे, ए मैप हो रहा है 2 पे, इसी तरह सी मैप हो रहा है 3 पे, यहाँ पे सी 3 का इमेज था ना, तो ये इसका उल्ट हो गया।
यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे ये देखें जो एलिमेंट बी है हमारी वाई डोमेन का इनवर्स ऑफ अ फंक्शन में, उससे कोई भी जो एरो है वो मैप नहीं हो रहा को डोमेन पे, यानी ये जो बी है इससे कोई भी एरो नहीं जा रहा ना, तो अब हम कहेंगे कि ये जो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये फंक्शन नहीं है। और यही चीज़ वो नीचे आपको यहाँ पे रिमार्क्स में बता रहा है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मे नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, इसी तरह आगे चलेंगे हम, उसके बाद इंजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। इंजेक्टिव फंक्शन यानी वन टू वन जो होता है उसमें आपको पता है कि डोमेन से एक डोमेन के हर एलिमेंट जो है वो को डोमेन के सिर्फ एक ही एलिमेंट पे जो है ना मैप हो सकता है। ठीक है, जैसे वन ए पे है, टू बी पे है, थ्री डी पे है, थ्री डी पे है। ठीक हो गया जी। अब जब हम इसका इन्वर्स लेंगे, ये मैंने आपको ले दिया, मैंने आपको बताया ना डोमेन को डोमेन बन जाएगी और डोमेन जो है वो बन जाएगी को डोमेन, और जो को डोमेन है वो बन जाएगी डोमेन। ठीक है जी, मैपिंग वैसी ही होगी। अब यहाँ पे देखें, ए वन पे जा रहा था, ए वन पे है, बी टू पे टू का इमेज था, अब बी टू पे मैप हो रहा है। इसी तरह डी जो है वो थ्री का इमेज था, अब डी थ्री पे मैप हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सी एलिमेंट रह गया, ये रह गया ना, यहाँ से कोई एरो नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि इनवर्स, ये जो इनवर्स ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन है ये अब फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आ गया सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव की ये पढ़ के आ रहे ऊपर हम, और आपको याद होना चाहिए कि इसका फंक्शन के सॉरी डोमेन के हर एलिमेंट से एक जो है ना लाजमी जो है ना वो एरो जो है ना जाना चाहिए को डोमेन की किसी एलिमेंट पे। और दूसरी शर्त ये है कि को डोमेन में कोई ऐसा जो है एलिमेंट ना पड़ा हुआ हो जिस पे कोई इमेज ना बन रहा हो। ठीक है, यानी को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक जो है ना वो एलिमेंट जो है वो डोमेन में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, वन ए पे बना रहा है, टू बी पे बना रहा है, और थ्री दोबारा ए पे बना रहा है, तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन में ओके है, इसका कोई मसला नहीं है। अब इसको हम कर लेते हैं इन्वर्स। जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो अब देखें क्या हो रहा है। अब देखिए, डोमेन से ए से एक वन जा रहा है और ए से यहाँ थ्री जा रहा है। ठीक है, अब ये आपको याद होना चाहिए कि डोमेन में जो एलिमेंट्स पड़े हैं ना उसमें जो है हर एलिमेंट से कम सिर्फ एक ही जो है ना एरो जाना चाहिए को डोमेन के किसी एलिमेंट पे। ठीक है, एक ही जो है ना वो एक ही एलिमेंट उससे जो एरो निकलेगा वो एक ही होगा, यानी दो नहीं निकलेंगे। यहाँ पे ए से दो निकल रहे हैं ना एरो, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये भी फंक्शन नहीं रहा। ठीक है, इनवर्स ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन भी जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता। ये देखिए, आपको ये कह रहे हैं ना कि इनवर्स ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट बी ए फंक्शन। ये सारी आपकी बेस बन रही है आगे, अब आपको समझ आएगी कि ये सारा वो क्यों पढ़ा रहे थे। जी जनाब, तो ये हम सब इसलिए पढ़ रहे थे कि हमने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है या ये समझना है कि जो बाईजेक्टिव फंक्शन होते हैं जिसमें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव यानी वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शंस भी कहते हैं ना हम उन्हें रिस्पेक्टिवली, तो उनकी जो है दोनों, उन दोनों की क्वालिटीज़ बाईजेक्टिव में होती है। ठीक है जी, तो बाईजेक्टिव जो फंक्शन है ना तो उनका जो इनवर्स है, ठीक है, वो जो है वो फंक्शन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो फंक्शन होता है। ये पुराना पॉइंट उन्होंने रिपीट किया हुआ है, इसको आपने क्रॉस कर देना है। तो इनवर्स ऑफ अ बाईजेक्टिव फंक्शन विल बी फंक्शन या मे बी फंक्शन। ठीक है जी, ये आप लिख सकते हैं। ओके जी, ग्राफिकली हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट जो है वो कैच कर लिया है कि बाईजेक्टिव में जो फंक्शन होगा उसका इनवर्स जो है वो फंक्शन होता है। ठीक है जी, अब हम इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ठीक है जी, ये देख लें, ये कह रहा है कि अगर एक फंक्शन एफ है वो एक्स टू वाई पे जो है ना मैप हो रहा है और वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि अब इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन है तो उसमें बाइजेक्टिव लाजमी लिख रहे हैं, क्योंकि बाइजेक्टिव ही का जो है ना हम इनवर्स ले सकते हैं, बाकी जो ऊपर वाली जो और टाइप्स हैं उनका नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देन इनवर्स फंक्शन एफ पावर माइनस वन जो है वो मैप होगा वाई टू एक्स। देखा ना, डोमेन चेंज हो गई। ठीक है, पहले यहाँ पे डोमेन एक्स थी, अब यहाँ पे डोमेन वाई हो गई, को डोमेन यहाँ वाई थी और यहाँ पे को डोमेन एक्स हो गई। तो ये कह रहा है कि व्हेन वाई बिलोंग्स टू को डोमेन वाई और इनवर्स ऑफ वाई जो है वो इक्वल होगा एक्स के। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ, देन कब होगा, जब वाई इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स के। अच्छा, ये कन्फ्यूजन से आपको लग रही होगी, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है, मैथमेटिकली अगर मैं आपको समझा दूँ तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ तो हमें मालूम है ना कि एफ ओ एक्स जो है वो इक्वल होता है वाई के।
ये हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद है। अब देखें ये वाला f जो है, फंक्शन जो है, इसको अगर हम इस तरफ ले जाएं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ना। मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखें, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ f, यानी ये f की पावर माइनस वन हो जाएगी और ये इम्प्लीमेंट फंक्शन हो जाएगा y पे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनवर्स ऑफ f ऑफ y जो है वो इक्वल होता है x के, f ऑफ x इक्वल होता है y के, और इनवर्स ऑफ y जो है वो इक्वल होगा x के, ठीक है, ये आपने याद रखना। ये इसने आपको यहाँ पे बता भी दिया, ये देखें जी, x जो है वो इनवर्स ऑफ जो है ना y के फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y के इक्वल है, और f ऑफ x जो है वो y के इक्वल है, ठीक है जी। ये दो इक्वेशंस आपने याद रखनी है इनवर्स ऑफ फंक्शन के हवाले से। ओके, ये MCQ के हवाले से ये पॉइंट याद रखना कि अगर एक फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन मौजूद है, ठीक है, तो हम उस फंक्शन को कहते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है, वो एक इन्वर्टेबल फंक्शन होता है जी। अब हम एरर डायग्राम देखेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन की। इसमें जस्ट सिंपल से एक वो है कंसेप्ट है कि जो डोमेन है और जो को डोमेन है, जस्ट हमने इनको इंटरचेंज करना होता है। जब हम अभी तो ये एक्स टू वाई जा रहे हैं ना, तो इसको हम फंक्शन f कहेंगे, लेकिन जब ये को डोमेन यहाँ आ जाएगी और डोमेन यहाँ आ जाएगी, तो फिर हम इसको लिखेंगे इनवर्स ऑफ f ऑफ माइनस वन, ठीक है, यानी उस फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा। ये देखें नीचे, ठीक है जी, ये इनवर्स हो गया। अब वो ये जो डोमेन्स हैं जो ऊपर थी, ये इंटरचेंज हो गई, यानी ये y इधर आ गया और x इधर आ गया, और अब मैपिंग जो है ना सेम होगी उनकी, यानी यहाँ पे अगर ये 1-7 पे मैप हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी जो है ना 1-1 जो है वो 7 का इमेज बनेगा, ठीक है, यानी 1 और 7 का रिलेशन वैसे ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे 1-7 पे मैप हो रहा है, यहाँ पे 7 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इनवर्स फंक्शन फ्रॉम अ फार्मूला। अच्छा, इसका फार्मूला देख लेते हैं, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है, आपको याद होगी कि अगर f फंक्शन है वो r टू r, यहाँ पे ये तो चलिए उसने मिसाल दी हुई है, नीचे जो बाय डेफिनेशन है वो आपको याद है ना कि इनवर्स ऑफ f जो है, इनवर्स ऑफ f ऑफ y जो है वो इक्वल होता है x के, और f ऑफ x जो है वो इक्वल होता है y के, ये दो चीज़ें आपने बस याद रखनी, ये जो हैं दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल होती हैं, ये जो सिंबल है ना ये इक्वल को शो करता है, ठीक है जी। ये जो ऑप्शन, ये जो ऑपरेटर है बाय कंडीशनल ऑपरेटर है, ठीक है। अच्छा जी, सिंपली इसको आपने करना कैसे है, यहाँ पे आपको इसने दे दिया है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 4x-1। ओके, आपने इसको करना ऐसा है कि सबसे पहले आपने जो है ना उठा लेना f ऑफ x ऑफ y, ठीक है। अब आपको पता है f ऑफ x जो है वो 4x-1 के बराबर है, तो ये आपने लिख देना है 4x-1 इज इक्वल टू y, ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया, ये इसने आपको लिख दिया यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ f। अब आपने सिंपली इसको x के लिए सॉल्व कर देना है, यानी इसमें आपने x की जो वैल्यू है उसको ड्राइव करना है, x की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब टेक्निकली मैं आपको समझाता हूँ, x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखें जो दूसरी हमने पढ़ी हुई है से क्या कहते हैं, इसी इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन से रिलेटेड जो दूसरी जो इक्वेशन है वो ये है कि x जो है वो इक्वल होता है इनवर्स ऑफ f ऑफ y के, ठीक है। अब चूंकि x हमारे पास ये आ गया ना y प्लस 1/4, तो अब हम कह सकते हैं कि y प्लस 1/4 जो है वो इक्वल है इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y के, ठीक है। ये जो x है ना, ठीक है, इस यहाँ पे इक्वेशन में जो है इस जगह पे, ये देखें इस जगह पे, ठीक है, ये जो x है, तो अब हम इसकी जगह यहाँ पे लिख देंगे इनवर्स ऑफ f इनवर्स फंक्शन ऑफ y, ठीक है। वैसे इसको सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, जैसे अभी हमने ऊपर की है, आपको डेफिनेशन पता है f ऑफ x y की, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए f ऑफ x जो है वो इक्वल होते हैं y के, यहाँ पे यहाँ तो क्लियर है। अब जब एक फंक्शन x टू y मैप करेगा, तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले 1-1 क्रॉस्पोंडेंस, 1-1 क्रॉस्पोंडेंस किसे कहते हैं जी,
बाइजेक्टिव फंक्शन को कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अच्छा जी, तो अब जो है वो पहला जो आपने क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, वो बता रहा है कि आपने एफ ऑफ एक्स वाई को सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू के लिए, ठीक है, समझ आ गई। यानी एफ ऑफ एक्स की जगह जैसे यहाँ पे आपको इक्वेशन दी है वो आपने लिख लेनी है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है आपने एक्स की वैल्यू के लिए यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, जब आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये दूसरा स्टेप है, तो आपने क्या करना है उसको इक्वल कर देना है इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई के, ये देखें, ठीक है, बस इतना सा काम करना है आपका, हो गया सवाल जी। जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं वो आप देख लें, वो ज़रूरी है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है, इसको आप लाजमी देख लीजिएगा। ये जो एग्जांपल है ना, ये वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें आपको वो तीनों चीज़ें करा रहा है, ठीक है। एक तो आपने बाइजेक्टिव को चेक करना है, बाइजेक्टिव फंक्शन को के लिए चेक करना है कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। उसको चेक करने के बाद, उसको चेक करने के लिए आपने पहले उसको इंजेक्टिव के लिए चेक करना होगा, ठीक है। इंजेक्टिव ये हम ऊपर करके आ रहे हैं सारा, ठीक है, कि इंजेक्टिव कैसे फाइंड करते हैं। अगर किसी को नहीं आता तो वो लेक्चर नंबर से जो पीछे जो लेक्चर है उसको लाजमी देख लें, ठीक है जी। उसके बाद आप देखें, इंजेक्टिव के बाद चेक करने के लिए आप उसको चेक करेंगे सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, वन टू वन, ऊपर इंजेक्टिव वन टू वन के लिए चेक करने के बाद सब्जेक्टिव यानी ऑन टू फंक्शन के लिए इसको चेक करना है। अगर वो दोनों वन टू वन भी हैं और ऑन टू भी हैं, यानी इंजेक्टिव भी हैं और सब्जेक्टिव भी हैं, तो वो बाइजेक्टिव होंगे, ठीक है। बाइजेक्टिव जब डिक्लेयर हो जाएगा एक फंक्शन, तो उसके बाद आप उसका उसको इन्वर्स के लिए यहाँ पे चेक करेंगे, और इन्वर्स का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। पहले आपने चेक करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के लिए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह आपने उसकी वैल्यू लगा देनी है फंक्शन की, और उसको सॉल्व करना है एक्स के लिए। एक्स के लिए जब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, आपने सिंपली उस एक्स की जगह लिख देना है एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे बता रहा है, वाई प्लस वन बाय वाई माइनस वन, ठीक है जी, सिंपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए जी, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स एक्स क्यूब प्लस फाइव, ठीक है। इसको आपने करना क्या है, वो आपको कह रहा है कि आप ये पहले बताएं कि वो वन टू वन और ऑन टू है। आपने ये चेक करना है, जब वो वन टू वन होगा और ऑन टू होगा तो देन सिंपली सी बात है वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने फार्मूले के मदद से आपने उसका इनवर्स मालूम करना है, ठीक है। तो पहले इसको हम चेक करेंगे वन टू वन के लिए, ये देखें वन टू वन के लिए। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। वन टू वन के लिए हम ये करते हैं, हम वैल्यू चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऑफ टू के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे जो इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस फाइव है ना, तो इसमें एफ ऑफ एक्स वन में जहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ एक्स ऑफ वन लिख देंगे, ये देखें इसने कर दिया। और जहाँ पे एक्स ऑफ टू है, एक्स टू है, वहाँ पे एक्स की जगह हम एक्स टू लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं। डेफिनेशन ये वाली इम्प्लीमेंट हो गई यहाँ पे, और इसका जो आंसर आपके पास आता है ना आखिर में, वो ये आना चाहिए, एक्स वन जो है वो इक्वल आना चाहिए एक्स टू के। ये यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब है ये वन टू वन फंक्शन है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए ये होता है कि आपने सबसे पहले लिख देना होता है एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है वाई के, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है वाई के लिए आपने उसको सॉल्व कर रहे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको एक्स की वैल्यू करी करेंगे, यानी एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह आप यहाँ पे डाल देंगे एक्स क्यूब, जो हमारी वहाँ पे सवाल में जो फंक्शन है ना वो डालेंगे, और यहाँ वाई आ जाएगा। इसको यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू के लिए, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब वो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी ना, जैसे कि यहाँ पे आ गई है, ये देखें ये एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू जो है वो जो हमने लिखा था ना एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है, तो अब वो वैसे नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एफ और यहाँ पे हम वो एक्स की जो ये जो वैल्यू आई है ये पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने डाल दी है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट आपने ये करना होता है कि जो हमारी ओरिजिनल थी ना ये इक्वेशन एक्स थ्री प्लस फाइव, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हम फंक्शन ये जो लिखा है ना, इसको हम उसकी उसमें जो है ना रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे, यानी इसको हमने ये लिख दिया, ये एफ ऑफ एक्स है और ये हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस फाइव के, ठीक है। उस सूरत में लिख दिया, एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये देखें, और वैसी ये इक्वेशन बन गई एक्स क्यूब प्लस फाइव, ये वाली देखें एक्स क्यूब प्लस फाइव,
ठीक है। अब इसको आप दोनों साफ़ कर लेना है, तो ये लाजमी है आपके यहाँ पे वाई आना चाहिए। तो जैसे ये यहाँ पे वाई आएगा ना, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। आगे जी हम इसको इन्वर्स के लिए देखेंगे कि इसका इन्वर्स कैसे लेते हैं। इन्वर्स लेना आपको आता है, सिंपल इनफ है, आपने सिर्फ लिखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स की जगह आपने वो फंक्शन लिख देना है एक्स क्यूब प्लस वाई, उसको सॉल्व करना है एक्स के लिए। जब आपके पास एक्स आ जाएगा तो सिंपली आपने एक्स की जगह लिख देना है इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू दैट वैल्यू। जी नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और इसमें जो है आपके पास दो फंक्शंस हैं और तीन सेट हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है समझने के लिए, ये पहला फंक्शन है आपके पास जो x से x टू y बार पे मैप हो रहा है, और ये दूसरा फंक्शन g है जो y से z पे जो है ना मैप हो रहा है, ठीक है जी। अब इनकी प्रॉपर्टी ये है कि जो f ऑफ x है ना, ये आपके पास ये जो आपके पास आंसर आएगा इस फंक्शन का, वो बेसिकली सबसेट होगा इसकी डोमेन का, सॉरी ये कैपिटल में लिखता हूँ मैं, ठीक है। और ये भी जो है ना कैपिटल में होगा एक्स आपका, ओके जी, ये क्लियर है यहाँ तक। इसको हम आगे पिक्चर के जरिए समझेंगे इस बात को, ये क्या मतलब है इसका। तो इसकी बेस पे जो है एक नया जो हम फंक्शन जो है कंपोजिट फंक्शन हम बनाएंगे ना, और दो फंक्शन को मिलाएंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इसको कहते हैं। तो उसको हम पढ़ते हैं इस तरह, एफ एंड जी ऑफ एक्स, ये वाला f and g of x is equal to g of f of x, ठीक है, for all x elements belongs to domain x। तो इसको हम कहते हैं जी, इसको ये वैसे लिखा तो ये g o f लिखा हुआ है ना, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे f and g, composition of f and g। तो हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं, इसको सिंपल सा है, ये देखिए ये फंक्शन f है, और इसमें ये जो मैपिंग हो रही है ये एक्स टू वाई हो रही है यहाँ पे वाई बार के अंदर, ठीक है, ये सबसेट है वाई का, ओके। हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, इसको आप बार बार देखेंगे आपको समझ आएगी। अब यहाँ से जो है ना एक फंक्शन दोबारा स्टार्ट हो रहा है जी, जो मैप हो रहा है वाई टू जी, ठीक है। यानी हम यहाँ यहाँ तक आते हुए हमने दो रास्ते लिए ना जो पहले पढ़ के आ रहे हैं, तो हम यानी जब एक पूरा एक एज अ होल रास्ता लेंगे ना, तो वो बेसिकली जो है ना वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी इन दो फंक्शंस की कंपोजिशन करेंगे तो हमारे पास एक ही रास्ता, डायरेक्ट रास्ता ऐसा मिलेगा जिससे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त ये ज़रूरी है कि जो इसकी जो रेंज है ना हमारे इस पहले फंक्शन की, ये एफ ऑफ एक्स यानी यहाँ पे मैप हो रहे हैं ना ये, तो ये जो है वो सबसेट होना चाहिए इस फंक्शन जी की डोमेन का, ये डोमेन है और ये इसका सबसेट है। अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है मैथमेटिकली, जिस हम आगे सॉल्व करेंगे ना, ये देखिए ये है एफ एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये जो एक्स है ये बना देगा एफ के साथ एक फंक्शन, ये बन गया एफ ऑफ एक्स, और ये एंड जो है ये यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ पे जी हो जाएगा। यानी अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे एफ ऑफ एक्स को, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी तो वो फंक्शन जी की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। यानी अगर इसको हम सॉल्व करें हमारे पास आंसर वन आता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी ऑफ वन, ठीक है। जी ऑफ वन की जो भी वैल्यू हमारे पास होगी वो आंसर होगा हमारा, जो भी होगी, मिसाल के तौर पे कुछ भी हो, सही है, ये आपको आगे समझ आएगी, इसको देख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट आपको ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है उसको बाय एरो डायग्राम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको देख लेते हैं जी। इसमें देखें तीन हमारे पास सेट हैं, एक एक्स है, उसके जो एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 हैं, उसके बाद एक सबसेट है वाई का, y बार a b c d ये वाला, और उसके बाद एक सेट है y जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट a है ना ये y बार में नहीं है, ठीक है, इसीलिए जो है y बार y का सबसेट है। उसके बाद सेट z है हमारे पास ये वाला, ठीक हो गया जी। अब ये फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं f को जो x से y बार पे मैप हो रहा है, ये देखें जो ये 1 2 3 एलिमेंट है ना ये y बार के जो एलिमेंट्स हैं उन पे मैप हो रहा है, इसको आप देख लें। उसके बाद यहीं से y बार से आगे जो है एक जी है जो वाई के तमाम एलिमेंट्स से जो है ना वो मैप हो रहा है जी पे, ठीक है, ये भी आप देख लें इसको।
अब इसमें देखें, हम पहले ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि एक जो कंप्लीट रास्ता बनता है ना, उसको हम कंपोजिशन की सूरत में भी लिख सकते हैं। जैसे वन का है, देखें वन यहाँ पे सी पे आया, सी से आगे जी पे चला गया, ये एक मुकम्मल रास्ता है, ठीक है जी। उसके बाद टू का देखें जी, टू बी पे आ रहा है और बी से जा रहा है वाई पे। इसी तरह थ्री का जी, थ्री ए पे आ रहा है और ए से जा रहा है एक्स पे, ठीक हो गया। ये कंप्लीट जो है ना हमारे ये वे है, ठीक है। अब इन तीन के लिए हम कंपोजिशन कर सकते हैं, सही है। अब नीचे देखें, इसने आपको कंपोजिशन करके भी दिखाई हुई है, ये देखिए आपको समझने में आसानी होगी कि यहाँ से वन से सी पे आया था, सी से जी पे गया था ना, तो जब हम एफ एंड जी लेंगे ना, एफ एंड जी जब इन दो फंक्शन का कंपोजिशन लेंगे, तो हम वन की जो मैपिंग है वो डायरेक्ट किस पे हो रही है, यहाँ पे जी पे हो रही है, तो ये वन की जी पे हो जाएगी। इसी तरह टू के लिए देखें, टू यहाँ पे बी पे आ रहा है, बी से वाई पे जा रहा है, तो अगर इस दरमियान वाले को निकाल दें तो टू जो है ना वो वाई पे मैप हो रहा है। इसी तरह थ्री को देखें, थ्री जो है वो ए से वाई पे मैप हो रहा है, और तो यहाँ पे डायरेक्टली हम थ्री वाई जो है ना उसकी मैपिंग थ्री पे कर देंगे एफ एंड जी कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी में, ठीक है जी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे जी, इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है। इसमें जो आपको मैंने ऊपर बताया था कि कंपोजिशन एफ एंड जी ऑफ एक्स होगी, तो ये जो एक्स है वो अंदर चला जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, एंड की जगह ब्रैकेट आ जाएगी, और ये जो जी है ये बाहर आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के लिए जी की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम जो आंसर आएगा उसके लिए उठा लेंगे, ठीक है। तो सेम ये एक्सरसाइज ही वैसे ही कराएगा आपको, बस आपने गौर से इसको समझ लेना है। अच्छा, यहाँ पे इसने जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो आपको बता दी है, फंक्शन एफ की भी बता दी है सारी डेफिनेशन, और जी की भी बता दी है, ठीक है। इन डेफिनेशंस को जहन में रखते हुए हम आगे नीचे सॉल्व करेंगे, कितना आसान है ये हम देख लेते हैं इसको। देखिए जी, वो कहता है कि आपने हमें ये बताना है, मैं पहले आपको तीन करवा देता हूँ, बाकी चौथा पांचवा आप खुद कर लेंगे, कि ये कह रहे हैं कि ये जो कंपोजिशन जी एंड एफ ऑफ वन है उसको सॉल्व करें। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। अब इसमें ये जो वन है ना, ये जाके जी के साथ फंक्शन बना लेगा ना, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, और एंड की जगह ब्रैकेट आ जाएगी और बाहर एफ आ जाएगा, ठीक है। अब जी ऑफ वन की हम वैल्यू देखेंगे कि वो क्या है, ठीक है जी। तो जी ऑफ वन की वैल्यू यहाँ ऊपर लिखी थी, ये देखें, तो जी ऑफ वन की वैल्यू हमारे पास फोर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा फोर, ठीक है जी। अब जब वो फोर आएगा, ये देखिए इस पोजीशन में हमने लिखा था ना, अब हमारे पास जी एफ वन की जगह फोर आ गया, तो अंदर आ गया एफ ऑफ फोर, ठीक है। तो एफ ऑफ फोर की अब वैल्यू हम देखेंगे कि क्या है, ठीक है, वो वन है, ये देखें, ये ठीक। अब आपको तरीका समझ आ गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके। अच्छा, इसमें देखिए पहला है जी, दूसरा है जी जी ऑफ एफ ऑफ टू जो है ना, ये हमने फाइंड करना है। तो ये टू जो है जी पे उतर आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा जी ऑफ टू, और एफ बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। जी ऑफ टू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, वन है, यहाँ पे वन आ गया, और एफ ऑफ वन की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे ये थ्री है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे थ्री, क्लियर है जी। इसी तरह नेक्स्ट है वो देखें, यहाँ पे जी एंड एफ ऑफ थ्री जो है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, थ्री जो है वो जी पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो जी थ्री की वैल्यू हमारे पास है क्या है, जी ऑफ थ्री की वैल्यू हमारे पास वन है, यहाँ पे आ गया वन, तो एफ ऑफ वन की अब हमारे पास दोबारा वैल्यू देख लेते हैं, वो हमारे पास थ्री है, तो ये भी जो है वो इक्वल आएगा थ्री के, क्लियर है जी। इसी तरह आपने सारे कर लेने, और एफ एंड जी और जी एंड एफ जो है ना कंपोजिशन जो है, ये दोनों डिफरेंट होती है, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, इसने आपको डिफरेंट भी सॉल्व करके दे दिए, बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लें। अगर समझ आ गई तो वेल एंड गुड, और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो फिर कमेंट करके मुझे बताएं, मैं मज़ीद आपको उसमें डिटेल में समझा दूंगा। फॉर्मूलाज के ज़रिए इसको देखेंगे, इन डेप्थ हम देखेंगे, इस तरह के सवाल आते भी हैं सब्जेक्टिव पार्ट में, तो कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया है। इसमें आपने करना ये है कि सवाल को गौर से पढ़ना है, उसमें जो मेन चीज़ है वो दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन होगा एफ के साथ और एक होगा जी के साथ, ये किसी और वर्ड के लेटर के साथ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एन और दूसरा है जी ऑफ एन, ठीक है। ये दो आपने थ्रू आउट याद रखने होंगे। इनका हमने करना क्या है, इनका आपने कंपोजिशन लेना है एफ एंड जी, और आपने कंपोजिशन लेना है जी एंड एफ, ठीक है। दोनों कंपोजिशन लेने के बाद आपने ये प्रूव बताना है कि ये आया इक्वल है या नहीं है,
अब देखें, पहला हम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं एफ एंड जी के लिए। एफ एंड जी जब आप उसको सॉल्व करेंगे एफ एंड जी के लिए, तो इसमें ये आ जाएगा ना। तो अब इसको ये एन की वैल्यू के लिए करना है, तो ये हमारे पास एन आ गया, ठीक है। अब आपको पता है ना, तो ये किस ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा ना, यानी फंक्शन ऑफ एन बन जाएगा और एंड और जी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ऐसा ही है। अब आपने करना क्या है, जो एफ ऑफ एन का जो फंक्शन है ये वाला एन प्लस वन, इसको आपने यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। इसको पुट करने के बाद अब क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट काम है, अब देखिए यहाँ पे ये जी ऑफ एन हमारे पास है एन स्क्वायर, देखना है इसको गौर से, इसको सॉल्व करना है। देखें जी ऑफ एन आपके पास क्या है, एन स्क्वायर। मैं आपको समझाने की गौर से बता रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जिस सिचुएशन में पहुँचे हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गई होपफुली कि जी ऑफ एन प्लस वन है, तो एन प्लस वन बेसिकली इसके अंदर ये जो एन है ना, तो ये वो उसकी जगह लिखा हुआ है एन प्लस वन, ठीक है। तो जी का फंक्शन हमें ये बताता है कि जो इस यहाँ पे जो भी चीज़ हो, ये मैं आपको मार्क करता हूँ रेड से, कि यहाँ पे एन की जो भी वैल्यू होगी उसका यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास एन प्लस वन है, ठीक है। तो जब फंक्शन अप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये जी वाला जी उड़ जाएगा ना, देखें यहाँ पे भी उड़ गए, यहाँ पे देखें नहीं है ना। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है जी। तो ये एट द एंड हमारे पास किसके इक्वल आ गया, हमने कहाँ से शुरू किया था, ये आ गया था कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, ठीक है। ये देखें ये, ठीक है। और ये जो लिखते हैं ना फॉर ऑल, ये तरीका है लिखने का, ये अपना को कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जी। तो बिलोंग्स टू जी हम इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये जो सारी जो फंक्शन बने हुए हैं ना, वो जी की बेस पे बने हुए हैं, यहाँ पे जी से जी पे मैप हो रहे हैं, यानी इंटीजर हैं और इंटीजर से इंटीजर पे मैप हो रहे हैं। सो आप तक समझ आ गई होगी आपको, और जी एंड एफ जो है वो आप ख़ुद देख लीजिएगा, ठीक है। समझ नहीं आता मुझे कमेंट में बताएं। ये आपने जी आपके पास दो जो है ना यहाँ पे आ गई हैं आपके पास, एक आपके पास ये आ गया एन प्लस वन होल स्क्वायर, और दूसरा आपके पास जो कंपोजिशन जी एंड एफ जो है वो आपके पास है एन स्क्वायर प्लस वन। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते ना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि जी ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इसको हम काउंटर चेक भी कर लेते हैं। काउंटर चेक का मतलब ये है कि ये जो कंपोजिशन है ना, ये वाली जो उन्होंने की है, ये वाली, ये देखें ये वाली, ये यहाँ पे हम जो n है ना, n की जगह कोई भी चीज़ फ़र्ज़ करके हम उसको काउंटर चेक कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर यहाँ वन है, ठीक है। तो f एंड g के लिए ये उन्होंने यहाँ पे वन लगाया, और दोनों के लिए सेम वैल्यू लगाया है, और यहाँ पे g एंड f के लिए भी उन्होंने वन लगाया है। तो एक आंसर फोर आ रहा है और एक आंसर टू आ रहा है। इसको आपने थॉरली देख लेना है, समझ नहीं आना तो नहीं आता तो मुझे आपने बता देना है, ठीक है जी। तो ये आ गया जी कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज़ नॉट अ कमोटेटिव ऑपरेशन, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो एक कमोटेटिव ऑपरेशन नहीं है। कमोटेटिव में होते हैं ना, हम यूँ लिखते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीन है, तो उसमें ये है कि कंपोजिशन ऑफ एफ ऑन जी और कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ इज़ नॉट इक्वल, ठीक है जी। जी नेक्स्ट है कंपोजिशन विद द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये किया था ना हमने कि एक आइडेंटिटी फंक्शन है आई ऑफ एक्स, उसको इस सूरत में लिखते हैं, अगर वो हम लेते हैं ए का, ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो क्या रिटर्न हो जाएगा, ए रिटर्न हो जाएगा, ओके। यानी जो इसके अंदर की वैल्यू है ना, उसी को ये वो रिटर्न कर देता है, वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, क्लियर है। अब इसमें कुछ साइंस नहीं है बहुत बड़ी, सिंपली आपने वैसे ही इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। आपको एक ऐसी आपकी आ सकती हैं पेपर में एग्जांपल्स जी। तो पहले देख लेते हैं इसमें हम ये वाली, तो आइडेंटिटी फंक्शन एंड एफ का कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है। ये ए पे, तो ये ए जो है ना, यहाँ आपको पता है ना, ये देखें
तो क्या होगा इसका, ये ए आई आइडेंटिटी फंक्शन के साथ इसका जो है ना बन जाएगा पूरा फंक्शन, और ये एंड यहाँ पे एफ जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए जो है वो क्या रिटर्न करेगा, ए रिटर्न करेगा ना, मैंने अभी बताया आपको, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की यहाँ पे आपने वैल्यू देख लेनी है, वो बराबर है यू के, ये री यू, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे ये देखें आइडेंटिटी फंक्शन कंपोजिशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ बी जो है ना वो यहाँ पे बी आइडेंटिटी फंक्शन के साथ मिल जाएगा, और आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी जो है वो बी को रिटर्न करेगा, सेम वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये एफ ऑफ बी बन जाएगा, और एफ ऑफ बी इक्वल आ जाएगा वी के। सिंपल है जी, आप कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जो इसके जो इन्वर्स है ना वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें से मैं एक करा देता हूँ। देखें इसमें यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कंपोजिशन एफ एंड आइडेंटिटी फंक्शन वाई जो है वो इक्वल आ रही है ए के यहाँ पे, सॉरी ए का है, ठीक है। तो अब ये जो ए है ये अंदर जाके फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए बन जाएगा, और आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई बाहर आ जाएगा, ये एफ ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आपने ऊपर से देख लेनी है, वो यू होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे यू आ जाएगा, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई ऑफ यू जो है वो यू को ही रिटर्न करेगा, ठीक है। सेम वैल्यू जो उसके अंदर है ना वेरिएबल, उसी को रिटर्न कर देगा। क्लियर है जी, आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान है। अच्छा जी, इन्वर्स का हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। अब हमने फंक्शन का और उसका जो अपना इन्वर्स होगा उस उन दोनों का हमने जो है ना कंपोजिशन लेना होगा। तो यहाँ पे देखें जी, ये फंक्शन की आपको काफ़ी हद तक समझ लग गई है। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ ए जो है, यानी एफ ऑफ ए, यानी मैं लिखता हूँ एफ ऑफ ए, तो वो किस पे मैप हो रहा है, जी पे। तो एफ ऑफ ए इक्वल आ गया जी के, ठीक है। ये फंक्शन जब हम ए पे अप्लाई करेंगे तो जी आएगा हमारे पास। इसी तरह एफ ऑफ बी जो है वो एक्स के बराबर आ गया, एफ ऑफ सी जो है वो वाई के बराबर आ गया। अब जब हम इनका इन्वर्स लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं आपको इसका लिखवा देता हूँ। तो ये क्या होगा जी, यानी ये एफ वहाँ चला जाएगा ना, तो ये एफ जब दूसरी साइड पे जाएगा तो एफ ऑफ इन्वर्स बन जाएगा, और वो फंक्शन बन जाएगा जी का, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ए रह जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएगा ए के, ठीक है जी। ये नीचे इसने आपको ये करा भी दिया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, गौर से करिएगा इसको, कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसी तरह आपने ये रिमार्क भी पढ़ लेना है। अब हम आगे इसकी कंपोजिशन की तरफ, जो मेन कंसेप्ट वो आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हम किसी फंक्शन है और उसका इन्वर्स है उन दोनों का कंपोजिशन लेते हैं ना, तो आइडेंटिटी रिटर्न होती है। आइडेंटिटी का मतलब है जो वेरिएबल होगा ना, आप देखें अब ये कंपोजिशन है पूरा, ठीक है। किस किस का है जी, ये है जी एफ एंड इन्वर्स ऑफ एफ का, ठीक है। अब वो आइडेंटिटी कैसे रिटर्न होगी, देखें जी कि मैपिंग पहले ए टू जी हो रही है ना, ये तो आपका पार्ट आ गया सिंपल पार्ट, ठीक है, ये एफ वाला। अब जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स में जो आपकी ये वाली रेंज है ये डोमेन बन जाएगी, और जो आपकी यहाँ पे डोमेन थी वो आपकी बन जाएगी यहाँ पे रेंज, ठीक है। हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, जाकर किसी को समझ नहीं आ रहा तो ऊपर जाके मेरे लेक्चर को गौर से सुन ले, ईजी है। अभी हम इसका ले रहे हैं इन्वर्स ऑफ एफ, तो इन्वर्स ऑफ एफ लेंगे तो लाजमी बात है कि जो एरो ए टू जी आया था वही एरो जी टू ए पे वापस चला जाएगा, तो उसने हमें क्या रिटर्न कर दिया, दोबारा ए रिटर्न कर दिया, ठीक है जी। ये बेसिकली आपको मैंने कंसेप्ट इसका समझाया है, नीचे इसको देख लेते हैं। ओके जी, मैथमेटिकली भी आप इसको करें, आपको करना अब आ गया है। तो देखें ए जो है यहाँ पे ये देखें, ये आपने फॉर्म में रख दिया। अब ए जो है अंदर जाके एफ के साथ एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है, और एफ ऑफ ए आपको पता है यहाँ पे ये जी के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ एफ फंक्शन जो है ऑफ जी जो है वो आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ए था और यहाँ पे भी ए है, ठीक है। अब इसके रिमार्क्स पढ़ते हैं मज़े के, क्या ये कह रहे हैं के जो इन्वर्स फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू एक्स, वो अपना ईच एलिमेंट जो है वो अपने आप ही जो है ना मैप कर रहा होता है ना, यानी इट सेंड्स ईच एलिमेंट ऑफ एक्स टू इटसेल्फ। सो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ऑन एक्स, तो हम कहेंगे इन्वर्स सॉरी कंपोजिशन ऑफ एफ एंड इन्वर्स ऑफ एफ जो है वो इक्वल होगा आइडेंटिटी ऑफ एक्स के।
बस यहाँ पे अपने एक जो मेन चीज़ें हैं वो ही अपने ये वाली याद रखनी है, ठीक है? ठीक है, जब भी जो इनवर्स फंक्शन है वो जब पहले लिखा होगा तो वो एक्स को रिटर्न करेगा, एक्स की आइडेंटिटी, और जब वो बाद में लिखा होगा तो वाई की आइडेंटिटी को रिटर्न करेगा। और सेम चीज़ वो यहाँ पे दो सेट्स के बारे में बता रहे हैं ना, सेम चीज़ है, ठीक है? अब इसमें देखिए इनवर्स फंक्शन जो है वो जी है, तो देखिए जब जी जहाँ पे पहले लिखा होगा ना, ये देखें, तो वो एक्स को रिटर्न कर रहा है, एक्स की आइडेंटिटी, और जब जहाँ पे जी बाद में लिखा होगा वहाँ पे वो वाई की आइडेंटिटी रिटर्न करेगा, ठीक है? सिंपल है जी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंपॉर्टेंट है, इस तरह की आ जाती हैं कि वो आपको दो फंक्शन दे देगा। एक फंक्शन होगा आपके पास जो है एफ, और दूसरा आपके पास इन्होंने फंक्शन दे दिया आपको जी। तो आपने ये जो है ना शो करना होता है कि ये जो एफ़ और जी हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है? तो वैसे तो इसका अगर आप करें तरीका कि पहले एफ़ का आप इनवर्स लें, ठीक है, फिर आप जी का इनवर्स लें, ठीक है, तो वो ज़रा काम मुश्किल हो जाता है। तो चूंकि अब हमें पता चल गया ना कि अगर हम दो फंक्शंस हैं उनका हम कंपोजिशन लें और हमारे पास आइडेंटिटी रिटर्न हो, तो देन हम समझ जाएंगे कि वो फंक्शन जो है एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है? ये डेफिनेशन है उसकी, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि जी पहले हम ये कंपोजिशन ले लेते हैं एफ एंड जी ऑफ एक्स का, ठीक है? ये देखें, ये कंपोजिशन ले लिया, इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, क्या करना है कि जो एफ ऑफ एक्स है उसकी जगह एफ ऑफ एक्स का फंक्शन एक्स प्लस 3x+2 जो है उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है। और अब जो आगे जो एम्प्लीकेशन है, जो फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, वो जी ऑफ एक्स का करना है। तो वो हमने, मैंने आपको पहले भी समझाया कि कैसे करना है। बेसिकली ये 3x+2 यहाँ पे एक्स की जो है ना एक्स के इक्वल है, ठीक है? ये जी ऑफ एक्स में जो एक्स है इसके इक्वल है। अब आपने ये एज अ होल इसको लिखना है, और जहाँ पे एक्स होगा ना तो वहाँ पे आपने 3x+2 लिख देना है। तो ये देखिए उसने ऐसे ही की है, बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जी जो है ना ये उसने इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसको सॉल्व करने पे आपके पास रिटर्न हो गया एक्स। अच्छा, अब ये वो कौन से वाला एक्स था? ये वो एक्स है जो हमने यहाँ पे इनपुट किया था। तो इसका मतलब है कि दो फंक्शंस का हमने लिया कंपोजिशन। बात को गौर से समझें, अगर हम दो फंक्शंस हैं उनका कंपोजिशन लें और हमें आइडेंटिटी रिटर्न हो, यानी जो हमने यहाँ पे पुट किया एक्स वही हमें यहाँ रिटर्न हो गया एक्स, तो देन वो दो दो फंक्शन है ना जिनका हमने कंपोजिशन लिया है, बेसिकली वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं इस तरीके से, तो आपने कर लिया ना, ये देखें, ये एफ एंड जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एक्स रिटर्न हो रही है, ये तो आपने कर लिया। इसको आप दूसरे तरीके से भी, नीचे उन्होंने आपको करके दिए हुए कंपोजिशन ऑफ जी एंड ऑफ एफ ऑफ एक्स के तरीके से, तो वो भी आप करें तो वो भी उससे भी आपको जो रिटर्न है वो एक्स ही होगा, ठीक है? तो आखिर में जो उन्होंने रिमार्क्स आपको दिए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये देख लें, ये देखें कि जब दो फंक्शंस का हम कंपोजिशन लें और आइडेंटिटी रिटर्न हो, तो देन जो है ये एफ और जी जो है ये दोनों जो है एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे। ओके जी, तो चलें जी, आज का लेक्चर हमारा हुआ ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह, और लेक्चर नंबर 18 जो है हम वो नेक्स्ट में करेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें, उनको भी रिकमेंड करें, उनके साथ शेयर करें, ताकि जो चीज़ आपको समझ आ रही है वो सबको समझ जाए, ठीक है? यही हमारा जो बेसिक मकसद है वो यही है। और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, और वो फंक्शन का जो है ना, जो मेन टॉपिक फंक्शन है ना, वो उसका आखिरी जो है ना हमारा लेक्चर है। उसके बाद हम एक नया टॉपिक, मेन टॉपिक शुरू करेंगे, उसका जिक्र हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।